अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। जस्ट दो डिस्ट्रीब्यूशन को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले जो इसमें आपके सिलेबस में गामा और बीटा दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जस्ट गामा डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली स्टडी करेंगे। अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों बेसिकली बेस कर रही हैं गामा और बीटा फंक्शंस पे, और ये चूंकि गामा और बीटा फंक्शंस पे बेस कर रही हैं, तो इसलिए हमें पहले जानना जरूरी है कि गामा और बीटा फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और वो किस तरह से वर्क करते हैं। अब जो गामा फंक्शन है, कोई भी नंबर, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए गामा फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, दिस इज़ कॉल्ड गामा ऑफ एन। एंड इसकी डेफिनेशन ये है कि इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन और ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक ये फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ पे देखें कि एन यहाँ पे क्या है, एन और यहाँ पे राइट साइड पे जो रिलेशन है उसमें देखें क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे एन है तो एक्स की पावर क्या है, एन में से एक माइनस हो रहा है, और ये ई पावर माइनस एक्स जो भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रल ले रहे हैं। अब इसकी जो मेन मेन रिजल्ट्स हैं वो हम यू शुड रिमेम्बर, ताकि वो फर्दर डेरिवेशंस में आपके काम आ सकें। अब इसमें जो मेन मेन रिजल्ट्स हैं वो हम देखते हैं क्या क्या बनते हैं, उनके प्रूव करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम डेफिनेशन ही अप्लाई करेंगे एन प्लस वन का, अगर हम गामा ऑफ एन प्लस वन लें तो वो क्या बनेगा, जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर, चूँकि अगर एन होता था यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनता था, एन माइनस वन। अगर एन प्लस वन है तो एन की जगह पे एन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स पावर एन बचेगा और ई पावर माइनस एक्स और डी एक्स एज इट इज़। और इसी तरह गामा एन प्लस वन, ये एक और रिजल्ट है दैट शुड बी रिमेम्बर्ड कि गामा एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन गामा ऑफ एन के इक्वल होता है। हम ये डेफिनेशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह गामा ऑफ एन किसके इक्वल हो सकता है, गामा ऑफ एन के एन माइनस वन और गामा एन माइनस वन के इक्वल भी होता है। इसी तरह गामा ऑफ एन प्लस वन एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और अप टू सो ऑन गामा ऑफ वन, यानी फैक्टोरियल की फॉर्म में इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें कि गामा फंक्शन की अगर हम देखें प्रॉपर्टी, तो इसको अगर हम विजुलाइज करें और या इसको डिराइव करें तो गामा ऑफ वन बाई टू, अगर एन की एन वन बाई टू हो तो गामा ऑफ वन बाई टू किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ आते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या डेफिनेशन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन की और उसको उसमें फर्दर किस तरह से उसको लेके चलते हैं। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कोई रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसको हम कहेंगे कि वो उसमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसमें चूँकि हम एम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसमें एक पैरामीटर एम है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, जो कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन उस वहाँ पे हम एम एन कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम एन ले रहे हैं। तो उसकी अगर उसका जो पीडीएफ है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन हो, तो हम कहेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, वो उस इज सेट टू हैव गामा डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है कि यानी अगर एक्स जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान है तो फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की, अगर बाकी कोई भी वैल्यू है यानी नेगेटिव में तो वो जीरो हो जाएगी। अब देखें इसको अगर हम गामा वेरिएबल विद पैरामीटर एम इज यूजली डिनोटेड बाय गामा ऑफ एम, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसमें हम कर सकते हैं। अब इसमें हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम डिफाइन गामा डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन सी हैं। गामा डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहली प्रॉपर्टी हमेशा यही होती है, हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं कि मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। मीन फाइंड आउट करने से के लिए क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते हैं और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जो भी फंक्शन आपके पास मौजूद है, तो फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ले रहे हैं, तो हम चूंकि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, तो वो है 0 से इन्फिनिटी, बाकी सारी जगह पे वो 0 है। तो हम जस्ट 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, बाकी जो कि वो हर जगह पे 0 है, तो वो उसको हम स्किप कर सकते हैं। 0 to infinity f फंक्शन की वैल्यू पुट की, इसको हम फर्दर, अगर हम इसी फंक्शन को, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 1 है, तो ये -1, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x की पावर m बच जाएगा और e पावर -x। अब आपको पता है कि ये वाली जो टर्म है x पावर m e पावर -x, इसको अगर हम देखें तो गैमा ऑफ m +1 बनता है, और इसी तरह नीचे वाली टर्म एज इट इज गैमा m आ गया। और अगर इसमें ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब आपको पता है गैमा ऑफ एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन इंटू गैमा ऑफ एन, तो एम है तो एम इंटू गैमा एम ओवर गैमा एम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एम। तो ये आपके पास क्या आ गया, मीन ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर हम देखें कि वेरियंस क्या है, वेरियंस में क्या करते हैं हम, जो आपने मीन निकाला होता है, मीन का स्क्वेयर, और इसी तरह सिग्मा ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा पावर एक्स की पावर एम +1 ई पावर -x dx। इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इंटीग्रेशन को शामिल करके ये बन जाएगा ये टर्म, और इंटीग्रेशन और ये टर्म बन जाएगी एम ऑफ एम +2, और नीचे वाली टर्म गैमा एम एज इट इज। अब आपको, हमने बेसिक रिजल्ट्स में देखा था गैमा ऑफ एम +2 को हम लिख सकते हैं एम +1 एम, और यानी फैक्टोरियल फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो गैमा ऑफ कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू एम +1 आपके पास क्या आ गया, वेरियंस, सॉरी सिग्मा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने वेरियंस कैलकुलेट करना है, तो वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ई ऑफ एक्स की वैल्यू आपने एम फाइंड आउट कर ली है, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एम इंटू एम +1, इसमें वैल्यू फार्मूला में वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने से आपके पास एम इंटू एम +1 ये ई ऑफ एक्स स्क्वेयर और माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर एम स्क्वेयर बन जाएगा, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एम। तो ये आपके पास वेरियंस आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स इज असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। अगर एम की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, कर्व हैज ए मॉड एक्स, और अगर ग्रेटर देन 2 हो तो एक्स एक्सिस को टच करती है ओरिजिन पे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जस्ट इसमें, और रिमेम्बर करने के लिए कोई ऐसा बात नहीं है। अब क्या है कि कर्व बिकम्स असिम्प्टोटिक, दोनों एक्सिस पे सिम्प्टोटिक हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो इंडिपेंडेंट गामा फंक्शंस हैं, तो उनको अगर हम सम करेंगे, तो फॉर एग्जांपल दो जो फंक्शन है, एक पैरामीटर एम है दूसरे में एन है, तो उनका जो सम करके गामा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उसका पैरामीटर बनेगा एम +n। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकंड टॉपिक है इसका, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं कि वो क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक मॉडर्न स्टैटिस्टिक में एक माइलस्टोन समझा जाता है, मॉडर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे जस्ट इसकी कुछ हिस्ट्री गिवन है कि आपको कैसे कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने डिस्कवर की और कैसे स्टार्ट हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि उसमें फंक्शन डिफाइन इस तरह से होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ 2π² और ई पावर -x -μ² / 2σ² और यहाँ पे एक्स की रेंज क्या है, -∞ से ∞, और सिग्मा की वैल्यू सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन कौन से टर्म, सिग्मा यूज हुआ है, पाई यूज हुआ है, और म्यू यूज हुआ है, और ई यूज हुआ है, यानी जो हम जैसे एक्स फंक्शन विद एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो एक्स के अलावा बाकी ये टर्म्स यूज हुए हैं, वो डिफाइन किए गए हैं कि म्यू क्या है, वो बेसिकली मीन है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, पाई की वैल्यू क्या है, वो 3.1416, सी की वैल्यू 2.7183, और ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट इसमें यूज हो रहे हैं। अब इसमें चूंकि पाई तो वैसे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें बेसिकली दो पैरामीटर बचते हैं, सिग्मा और म्यू, तो वही लिखा गया कि दो पैरामीटर हैं इसमें, म्यू और सिग्मा।
यानी मीन्स टू से इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम नाम देते हैं। अब इसमें अगर हम वही जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक कंडीशन होती है कि सब उनको हम सम करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली डिनोट किस तरह से किया जाता है, जो कि दो पैरामीटर म्यू और सिग्मा इन्वॉल्व है, तो हम इसको म्यू और वेरियंस की फॉर्म में डिनोट करेंगे, एन ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वेयर। तो आपके पास फिर म्यू और सिग्मा की जो डिफरेंट वैल्यूज के लिए कौन कौन से किस किस तरह से ग्राफ बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आप देखें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गिवन है कि दिस इज ये सिमेट्रिकल कर्व होगी बेसिकली। अब उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आपके पास बना हुआ है, इसी तरह इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे मौजूद है। अब इसी से अखज की गई है, इसी से फर्दर अगर हम लेके चलें तो आपके पास डिफाइन होती है कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि उसमें मीन बेसिकली जीरो, हम यानी उसी की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक स्पेशल काइंड है जिसमें मीन जीरो हो और वेरिएंस की वैल्यू 1 हो, या यूनिट वेरिएंस यू कैन से दैट। वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम इस तरह से एक जी के नाम से एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फंक्शन को फिर उस फॉर्म जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो फंक्शन बनता है वो उसकी जी की फॉर्म में जो फंक्शन बनता है उसमें मीन जीरो होता है और स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है, दैट वी यूनिटी। अब अगर जी इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा, आपके पास इस ये एक न्यू वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये फाई ऑफ जो फंक्शन बनेगा उसके इसके बाद दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फाई, तो फाई ऑफ जी विल बी इक्वल टू 1/2 π² √e−z² / 2। अब देखें कि फर्दर अगर हम इसको लेके चलें तो वो किस फॉर्म में आएगा। ये डिफरेंट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, किस तरह से, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, दोनों के फॉर्म में क्या डिफरेंस आता है। अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यू जो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कैसे उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे तो जस्ट डेफिनेशन गिवन है कि वो क्या नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, और या उसको दूसरा नाम क्या है, यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम एन ऑफ 0 1 से डिनोट करते हैं। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो बेसिकली इस फॉर्म में गिवन है, चूंकि हम न्यू वेरिएबल की फॉर्म है, यहाँ पे हमने टी की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके अगर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो यू कैन यूज दिस टेबल, अगर आप इस टेबल के जरिए वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टेबल में वैल्यूज गिवन है और टेबल 9.1 में, और ये वैल्यूज आप यूज करके इसकी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 1.11 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1.1 यहाँ पे है और 1.11, तो 1.1 आपके पास बनेगा यहाँ पे, तो उस पे वैल्यू आएगी 0.8665 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। हम फर्दर क्वेश्चन में ये टेबल यूज करेंगे और टेबल्स को यूज करके आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नाउ अब हम उनको स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, उसकी डेरिवेशंस किस फॉर्म में हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइनिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी प्रॉपर पीडीएफ का क्या मतलब है कि उसमें अगर वो सम हम सबको करेंगे तो दैट मस्ट बी आंसर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, -∞ से ∞ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करें जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, वो वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन क्या है, जी की फॉर्म में, यानी वो जो हमने ऑलरेडी जी डिफाइन किया था स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, वही हम यहाँ पे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर हम सिग्मा इस साइड पे ले जाएं तो सिग्मा डी जी विल बी इक्वल टू
dx, और ये जो कि कांस्टेंट है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ के यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो एरिया विल बी इक्वल टू दिस फंक्शन। यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पे मिसिंग है। अब ये इसके इक्वल आ गया। अब हमारा ये यहाँ पे मिसिंग है इंटीग्रेशन का साइन। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी के फॉर्म में हम दो यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमें पता है कि जो फंक्शन आपके पास क्या है कि वो इवन फंक्शन है, तो फिर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी माइनस इसको फिर हम 0 से इन्फिनिटी के फॉर्म में लिख लेंगे, तो आपके पास ये इससे सेम एज इट इज़ फंक्शन बन जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 × दिस फंक्शन आ जाएगा, और ये आपके पास 1/2 π एज इट इज़, और ये 2 × 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 फंक्शन सिमिलर ऐड हो गए, तो आपके पास ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम फर्दर सब्सटीट्यूशन करते हैं। फर्दर सब्सटीट्यूशन क्या कि हम वी की वैल्यू लेते हैं, वी विल बी इक्वल टू 1/2 z². तो अगर हम इसको इसमें फर्दर डेरिवेटिव लें तो डी वी भी किसके इक्वल आएगा, डी वी विल बी इक्वल टू ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, तो 2z और dz, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो zdz जस्ट बच जाएगा। तो वो हम वी की फॉर्म यहाँ पे हम अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। और आपके अगर हम फर्दर इसमें देखें, फर्दर इसमें सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1/π² √ और एंड दिस फंक्शन। आपको पता है ये वाला फंक्शन अगर हम देखें तो दिस दिस इज इक्वल टू गैमा ऑफ 1/2, और गैमा ऑफ 1/2 हमने क्या डिफाइन किया था, गैमा 1/2 किसके इक्वल है, π² √ के। तो π² √ आ गया, और π² √ कैंसिल, और आप आंसर विल बी इक्वल टू 1। ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, यानी प्रॉबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि अगर हम सम करेंगे तो प्रॉबिलिटीज का दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, वो सेटिस्फाई करता है। अब हम विल कम ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम एक और जो मेन बेसिक चीज हम इसमें फाइंड आउट करते हैं वो मीन और वेरियंस है। मीन और वेरियंस इसमें क्या है कि मीन एंड वेरियंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सिग्मा एंड और सॉरी म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर रिस्पेक्टिवली। अब हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं मीन की और वेरियंस की, और वो दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि वाकई ये सिग्मा और म्यू और सिग्मा स्क्वायर है। आपको पता है कि मीन की प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन ये है कि माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स और फंक्शन मल्टीप्लाई होता है dx, दिस इज इससे आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास ये एक्स ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली टर्म, और ये उसकी जगह पे आ गई एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब अगेन उसी तरह से सेम जैसे पहली प्रॉपर्टी में किया कि हम जी सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस ओमेगा सिग्मा जी। तो यहाँ से डी एक्स अगर हम फाइंड, डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा डी जी। अब लिमिट्स की अगर हम बात करें तो लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो अगर हम जी की फॉर्म में देखें तो जब एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है तो जी भी इन्फिनिटी होगी इसमें पुट करके, और अगर एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी तो जी की लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी होगी। तो लिमिट्स भी सेम है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आता है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आपके पास जी की फॉर्म में ये टर्म बन गई। ये वाली वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इस फॉर्म में आ गया आपके पास वैल्यू। और इसको अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे ये सिग्मा ओवर म्यू ओवर 2π माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, चूँकि म्यू और दोनों ऐड हो रहे हैं तो पहले ये वाली टर्म आ जाएगी, और उसके बाद सेकंड वाला इंटीग्रल ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या कि फर्स्ट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स म्यू टाइम्स एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व विद 0 मीन एंड यूनिट वेरियंस। 0 मीन एंड यूनिट वेरियंस वाले फॉर्म में जो हमने एरिया पढ़ा था, यानी जिसमें हमने स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में पढ़ा था, फर्स्ट इंटीग्रल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू। और सेकेंड इंटीग्रल क्या है, चूंकि ऑड फंक्शन है तो वो सेकेंड इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो आपके पास
जस्ट ये वाले फंक्शन का बचेगा और ये वाले फंक्शन का आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई म्यू। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड वेरियंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए वही जैसे आप फार्मूला यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्केयर, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में फंक्शन जैसे हमने डिफाइन किया वो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगेन जी की वही फॉर्म, जी की फॉर्म में हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब हमने इसको दो फंक्शन आगे जी और जी ई पावर माइनस जी स्क्वायर बाई टू, अब तो चूंकि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो इंटीग्रल में तो इंटीग्रेशन में, तो उसको हम उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला था, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास अब एप्लीकेशंस के बाद ये दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में आ गया है। फर्स्ट वन ये है और सेकंड वन ये। अब देखें फर्स्ट वन की वैल्यू अगर हम इसको इसमें लिमिट्स पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इस ये वाला 0 के इक्वल हो जाएगा और सेकंड वाली टर्म आ जाएगी। सेकंड वाली टर्म को इवेल्यूएशन के बाद यू विल हैव द आंसर सिग्मा स्क्वायर, तो आपके पास वेरियंस की फॉर्म वेरियंस आ गई इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है मीडियन और मॉड, हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि मीडियन एंड मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ईच इक्वल टू म्यू, जो कि बेसिकली मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन हम फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि मीडियन आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी मैनेजमेंट से एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन में फंक्शन की वैल्यू पुट करें, जो फंक्शन की वैल्यू आपने डिफाइन की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, इस फंक्शन की वैल्यू पुट करें, फिर जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा की फॉर्म में अगेन उस सिमिलरली उसी तरह से सब्सटीट्यूशन करें। आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल हैव द सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें अगर हम फर्दर देखें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास अब आपको पता है कि जो हमने समिति से अगर हम देखें कि बट वी नो फ्रॉम द समिति ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 है और 0 से इन्फिनिटी अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2 और ये आपके पास यहाँ से बेसिकली म्यू आपके पास मीडियन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मॉड फाइंड आउट करना हो तो मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो फंक्शन है उसका दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसमें दो कंडीशन है, यू कैन से दैट कि आप डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 और अगर डबल डैश लेंगे तो दैट मस्ट बी लेस देन 0, तो फिर आपके पास जो एक्स पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, मीडियन को सॉरी मॉड को डिफाइन करेगा। जो आपके पास फंक्शन है उसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसको इक्वल टू 0 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई म्यू। अगर यही वाली फंक्शन को ये जो आपके पास डिफरेंशिएशन आई है ये एफ डैश ऑफ एक्स, इसको अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया उसी फंक्शन का। सेकंड डेरिवेटिव में आपने वैल्यू पुट सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0, तो अब अगर हम एक्स की वैल्यू म्यू पुट करेंगे ये वाले सेकंड डेरिवेटिव में तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू म्यू बेसिकली क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मॉड है। अब इन द सेम वे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसमें करते हैं कि यानी मीन डेविएशन की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे, ये ऑफ एक्स माइनस म्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स माइनस म्यू एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करें, बाकी फंक्शन की वैल्यू इंसर्ट करें और आपके पास इसके बाद आप यहाँ पे जी उसी तरह से सेम वही पैटर्न वही वैल्यू जी की वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्सटीट्यूशन आप देखें कि एक्स माइनस म्यू है तो एक्स माइनस म्यू किसके इक्वल होगा सिग्मा जी के,
तो ये जी एज इट इज, ये सिग्मा यहाँ पे स्टार्ट में आ गया और ये बाकी जो फंक्शन ये वाला था वो जी की फॉर्म में आ गया और डी जी साथ आ गया। अब ये माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है, यहाँ पे इसको अगेन बाय पार्ट की फॉर्म में करेंगे, माइनस इनफिनिटी से जीरो और जीरो से इनफिनिटी। और इसको हम फर्दर देखेंगे, फर्दर अगर हम इसको लेके चलें, चूँकि ये आपके पास ये वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है या जो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है कि इसमें सिमेट्री होती है, तो यानी ये भी इसी के इक्वल होगा, ये दोनों ऐड होकर टू इंटू दिस वन हो जाएगा, टू इंटू जीरो से इन्फिनिटी जी ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर टू, और ये यानी टू मल्टीप्लाई होगा टू सिग्मा ओवर टू पाई डी जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा टू ओवर पाई, ये इंटीग्रेशन। और यहाँ पे ये लिमिट्स आ गए, लिमिट्स पुट करेंगे इंटीग्रेट इंटीग्रेशन के बाद, लिमिट्स पुट करने से आपके पास ये एक्चुअली 0.7979 सिग्मा के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4/5 सिग्मा, यानी 0.7979 दिस इज इक्वल टू 4/5 एंड सिग्मा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आपने वो जो स्टेटमेंट थी दैट दैट इज प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी, द नॉर्मल कर्व हैज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी चेंज होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कोई ग्राफ है तो इसमें यानी फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर बन रहा है, उसमें पॉइंट यानी जहाँ से टर्न हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको हम कहते हैं। और वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि वो जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे। और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होते हैं वो मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब आपके पास जो फंक्शन है उसको जैसे हमने पिछले तीसरी चौथी प्रॉपर्टी में भी देखा था, तीसरी प्रॉपर्टी में भी उसमें भी हमने डिफरेंशिएट किया था फंक्शन को, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट आ गया, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश को अगर हम जीरो के यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करने से आपके पास वैल्यू एक्स इज इक्वल म्यू आया था, अब हम अगर उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव को अगर हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे ये वाले सेकंड डेरिवेटिव के लिए, इसको अगर हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यानी ये वाली सारी टर्म है ये अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो बच जाएगा, अब ये टर्म बच गई वन माइनस म्यू होल स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो ये बन जाएगा सिग्मा स्केयर माइनस एक्स माइनस म्यू स्केयर इक्वल टू ओवर सिग्मा स्केयर इक्वल टू सिग्मा स्केयर, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस म्यू स्केयर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्केयर, ये आपके पास टर्म बन गई। अब यहाँ से बेसिकली चूंकि स्क्वेयर की फॉर्म में है तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी स्क्वेयर रूट के बाद आपके पास प्लस माइनस सिग्मा आ जाएगा, या इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा, तो आपके पास ये दो बेसिकली पॉइंट बन गए, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बन गया, एक म्यू माइनस सिग्मा और आप फंक्शन की वैल्यू ये वाली है साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ये पॉइंट बन गया दूसरे ये, तो ये जो दोनों इक्वी डिस्टेंस है मीन से। अब मोमेंट्स की फॉर्म में, मोमेंट्स जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी नहीं किए हुए, तो मोमेंट्स के फॉर्म में आप जस्ट ये रिलेशन याद रखें कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑर्डर ऑड ऑर्डर मोमेंट्स सारे के सारे जीरो होते हैं और इवन ऑर्डर मोमेंट्स के ये रिलेशन होता है। अब हम सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेवन प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स आपके पास यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में इस फॉर्म में है, तो अगर वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई की फॉर्म में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगी एन ऑफ ए प्लस बी म्यू और बी स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर। नाउ मूव ऑन टू एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स इज नॉर्मल वेरिएबल, यानी अगर आपके पास एक्स वन ये है इस फॉर्म में है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स टू की इस फॉर्म में है, तो अगर हम एक्स वन प्लस एक्स टू की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये म्यू वन और म्यू टू ऐड हो जाएगा, सिग्मा वन स्क्वेयर और सिग्मा टू स्क्वेयर दोनों ऐड हो जाएंगे।
नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है? नो मैटर व्हाट द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर, एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व, यानी ए जो नॉर्मल कर्व के अंडर एरियाज हैं वो क्या हैं, वो हमेशा फिक्स रहेंगे. फॉर एग्जांपल म्यू प्लस माइनस सिग्मा के लिए इतने परसेंट है, म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा के लिए 95.44% एंड म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा के लिए 99.73%. इन सेम वे द ला टेंथ प्रॉपर्टी क्या है इसमें? टेंथ प्रॉपर्टी में आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट किया है. क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए वो जो फंक्शन है, फंक्शन में जस्ट लिमिट चेंज करके म्यू माइनस क्यू म्यू प्लस क्यू से लिमिट हमने ले ली और दिस उसको इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएंगे. इसको इक्वल टू 0 पुट किया, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, लिमिट्स पुट की, और हमने यहाँ पे भी क्या किया कि जेड की वैल्यू म्यू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है. तो आपके पास यहाँ से जो आपने यहाँ से क्यू और सिग्मा की वैल्यू 0.674, तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 0.6745 सिग्मा. तो इसको हम प्रोबेबिलिटी एरर से टर्म डिनोट करते हैं. आप देखें कि यहाँ से फिर आपके पास क्वार्टाइल्स की वैल्यू आ जाएंगी. क्यू यानी 0.6745 है, तो क्यू 6745 सिग्मा म्यू माइनस दिस वन एंड क्यू 3 इक्वल म्यू प्लस दिस वन. या और द लास्ट वन प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल कर्व अप्रोचेस बट नेवर रियली टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन आइदर साइड ऑफ द, यानी वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसकी तरफ अप्रोच कर रही है. जैसे हम लिमिट्स के फॉर्म में बात करते हैं कि लिमिट्स भी बेसिकली अप्रोच होती है लेकिन वो एग्जैक्टली वो वाली चीज़ नहीं होती. तो उसी तरह जो नॉर्मल कर्व है वो अप्रोच करती है लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कभी टच नहीं करती. सो दिस वाज बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स सम प्रॉपर्टीज. अब हम मूव करते हैं कि इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व की जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में गिवन है, ये आपके पास फंक्शन है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब आप इसको ये वाला जो फंक्शन है इसको कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल फंक्शन डिफाइन है. तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कंपेरिजन से म्यू की वैल्यू -7 है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 16 है. तो जस्ट कंपेरिजन से आप मीन और वेरियंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो उसके जो जनरल फॉर्म ये है उसमें जस्ट म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. इन द सेम वे अब अगर हम एरिया की बात करें टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो टेबलेटेड एरिया हम किस सॉरी एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिलेशन है. अब अगर आपके पास कोई दो ऑर्डिनेट्स हैं ए और बी और उन उन दोनों के दरम्यान आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो बेसिकली उसका ये रिलेशन बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1/σ 2π² ई पाई माइनस इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर 2σ² dx. ये आपके पास एरिया की फॉर्म में रिलेशन गिवन है. बट अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में, ये सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हम बेसिकली ये 365 पे जो इस पे हम टेबल आपके पास गिवन है, तो ये टेबल हम बेसिकली यूज़ करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए. फॉर एग्जांपल एरिया अंडर द कर्व, ये उसी तरह से जैसे हमने पिछला टेबल यूज़ किया था कि अगर हमने टेबल 9.2 ये है एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं किसी पॉइंट्स के दरमियान. फॉर एग्जाम्पल 1.02 पे अगर हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अप्रोच करेंगे 1.0 और ये 0.02 ऐड करके तो 1.02 बन जाएगा, दिस इज 0.3461. इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एरियाज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल जी है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आपने ये बेसिकली वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में फाइंड आउट करनी है. पहली क्या है कि जी की वेरिएशन है 0 से लेकर 1.20 तक. 0 से लेकर अगर 1.20 तक है तो हम देखें कि इसमें 0 से आप बेसिकली 1.20 पे वैल्यू देखें कि क्या आती है. तो ये 1.2 और इसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम में 0 है, तो 1.2 और उसके साथ फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा. 1.2 के साथ फर्स्ट कॉलम यानी 0.3849.
तो आपके पास ये बेसिस के लिए इसके वैल्यू आ गई 0.3849। इसी तरह जो जीरो से ऑनवर्ड होंगी वो सारी इसी तरह से होंगी, जैसे इसमें है जी फ्रॉम यानी -1.5 से जीरो तक। अब देखें कि इसमें वैल्यूज जो होंगी बेसिकली वो इक्वल ही होंगी, चूंकि वो सिमेट्रिक है, तो इस वजह से वैल्यूज जीरो से वन पॉइंट। अब अगर इस फॉर्म में है तो हम वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेकिन आपके पास है कि 0.06 से लेकर 1.67 तक आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम जीरो से लेकर 1.65 तक वैल्यू देख लेंगे, सॉरी 1.67 तक। तो जीरो से लेकर 1.67 तक जो भी वैल्यू होगी उसमें से हम जीरो से लेकर 0.6 यानी यहाँ तक है ना, तो ये वैल्यू माइनस कर देंगे टेबल में से, वैल्यू देखें यहाँ पे इंसर्ट की, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। इसी तरह से जस्ट आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग टेबल्स। अब इसी तरह से एक और इसकी एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और म्यू की वैल्यू 50 है, सिग्मा स्क्वायर 25 है। अब आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 0 से 40 के दरमियान, 55 से 100 के दरमियान, और लार्जर देन 54, स्मॉलर देन 57। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जी की वैल्यू यानी आप देखें कि म्यू 50 है तो सिग्मा स्क्वायर 25, तो सिग्मा की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड, जी की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें एक्स माइनस 50 और 5। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से 40 के दरमियान अगर एक्स की वैल्यू 0 है, तो आपके पास जी की वैल्यू -10 बन जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 40 है तो जी की वैल्यू -2.0 है। तो हम 0 से 40 बेसिकली फाइंड आउट कर लेते हैं कि 0 से 40 आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दिस विल बी इक्वल टू -10 टू -2। अगर हम इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इसमें टेबल से वैल्यूज इंसर्ट की तो आपके पास ये बन गई। इसी तरह 55 के लिए जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें जो भी एक्स की वैल्यू के लिए जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द टेबल्स। अब ये तो सर सिंपल यूज। अब अगर हम टेबल्स को इनवर्सली यूज करना चाहें तो वो किस तरह से यूज किया जा सकता है। इन्वर्स यूज़ करने का मतलब क्या है कि यानी आप पहले क्या था, ठीक है, आप देखते थे कि टेबल की टेबल में कहाँ पे वैल्यू को लाई कर रही है और पॉइंट्स के फॉर्म में आप आंसर देते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर पहले पता हो तो आप उससे टेबल की वैल्यू को देखेंगे और उससे आप कोई डिड्यूस करेंगे रिजल्ट्स या वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास म्यू की वैल्यू 40 है और पी ये आपके पास गिवन है 0.8662, तो आपने 2660 के दरमियान वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चूंकि म्यू 40 है और ये उसी के दरमियान लाई कर रहा है, यानी बेसिकली ये मीन वैल्यू के दरमियान यानी 25 और 55, यानी ये अगर हम 40 में से 15 माइनस कर दें 25 और फिर ऐड कर दें तो 55। तो अगर आपके पास एक्स नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो हम ये वही लिखा हुआ है कि 25 लाई ऑन अदर साइड ऑफ मीन, इक्वल डिस्टेंस पे है, 15 के डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ये दोनों इक्वल होंगे, यानी बिटवीन एक्स इज इक्वल 25 एंड म्यू इज इक्वल 40 एंड म्यू इज इक्वल 40 एंड एक्स इज इक्वल 55। तो ये बेसिकली किसके कुल हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दिस इज इस वाली का, दिस इज चूंकि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है मीन, तो वो 0.4331 आ जाएगा। अब इनवर्सली फाइंड आउट का हम इसकी ये देखेंगे 0.4331 ये बेसिकली है किस वैल्यू के लिए। अगर हम इसको टेबल में देखें, लेट्स मूव ऑन टू टेबल, टेबल में देखते हैं कि ये बेसिकली वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल 4332 है, लेकिन यहाँ पे टेबल में आपके पास क्या गिवन है, टेबल में वैल्यू आपके पास 4331 है, लेकिन यहाँ पे 4332 गिवन है 1.50 के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5। तो 1.5 हम यहाँ पे अगर इंसर्ट कर दें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.50। तो ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1.50, यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने बेसिकली तो ये रिलेशन फाइंड आउट करना है 20 से 60 के दरमियान। तो 20 से 60 के दरमियान जस्ट उसी तरह से यानी 0 से -2 और 0 से 2
उसकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर है। टेबल से वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो यू विल हैव द आंसर। अब हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रखी हैं उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की फॉर्म में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करते हुए वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला बेसिकली इस फॉर्म में होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे मीन की वैल्यू आपके पास होती है एन पी और वेरियंस की वैल्यू एन पी क्यू। अब इसकी अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आप जी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें बेसिकली मीन की वैल्यू जीरो और वेरियंस की वन होती है, और इसमें जी की वैल्यू आपके पास होगी एक्स माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू। अब इसमें देखते हैं कि हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से एफ आर कॉर्न इज टॉस्ड 20 टाइम्स, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग बिटवीन 10 एंड 14 इंक्लूसिव, यानी 10 और 14 दोनों इंक्लूड हैं, तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप उसको कैलकुलेट करें और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है उससे कैलकुलेट करें। तो पहला तो वो सिंपल एज इट इज़ है, अगर आप नॉर्मल जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करते हैं वही सिंपल फार्मूला अप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करना है, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू एन पी है तो वो आपके पास वैल्यू होगी या 10 आ गई, सिग्मा एन पी क्यू की वैल्यू आ गई 2.24। तो हम बजाय एग्जैक्टली वो ही जो आपके पास वैल्यूज गिवन है यानी 10 और 14 लेने के, 10 और 14 को वाला इंटरवल लेने के, हम क्या करते हैं कि उसके जैसे हम टेबल्स की फॉर्म में वैल्यूज बनाते हैं 9.5 और 14.5 वैल्यूज लेते हैं। तो एक्स इज 9.5 के लिए जी की वैल्यू ये -0.22 आ रही है, एक्स इज 14.5 के लिए जी की वैल्यूज 2.01 आ गई। तो आप -0.22 और 2.01 के लिए आप बेसिकली वैल्यू टेबल से देख सकते हैं, वो टेबल से वैल्यूज लिखेंगे, टेबल से वैल्यूज देख के वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वी विल हैव द आंसर फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन। अब नॉर्मल अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करना चाहें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर मेन फार्मूला ये होता है, उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जी की ये वैल्यू एक्स माइनस म्यू ओवर म्यू स्क्वायर रूट ये इंसर्ट करेंगे। उसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इंसर्ट की जा सकती है। हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है और आपने इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे इसमें 23 और 26 के दरमियान, तो हम 22.5 और 26.5 ले लेते हैं। उसके लिए जी की वैल्यू एक्स की 22.5 और 26.5 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो -0.5 और 0.3। तो -0.5 और 0.3 के दरमियान आप वैल्यू टेबल से देखें वो इंसर्ट करें तो यू विल हैव द आंसर। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी डेटा में किस तरह से फिट की जा सकती है। हम डेटा फिट करने के लिए भी आपके पास दो केसेस बनते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो दो केसेस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से देखे जा सकते हैं। अब तो एक केस ए है क्या है कि टू फिट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नाइदर मीन यानी मीन और वेरियंस दोनों में से कुछ भी गिवन ना हो, आपके पास जस्ट डेटा गिवन हो, आप उसमें किस तरह से फिट कर सकते हैं। उसके जो सिंपल 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं यानी ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप उसमें टेबल बना के और उसको फर्दर इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर सेकंड केस क्या है कि अगर आपके पास सिग्मा म्यू और सिग्मा स्क्वायर गिवन हो तो फिर आप क्या ये जस्ट सिंपल 4 स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे और आप उसमें वैल्यू फिट कर सकते हैं। अब एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि किस तरह से टेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक टेबल है कि वेट आपके पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज गिवन है, आपने इनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि ये वेट और ये आपके पास एक्स आई की वैल्यूज गिवन है। अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप इसके मिडिल वैल्यूज को लिख लेंगे एक्स आई
और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपको ऑलरेडी की मैंने, इनको सम करके 1000 आ गया। और ये यू आई की वैल्यू आप इस फार्मूला में यानी मिडल वैल्यू वाले फार्मूला में पुट करके, यानी ये सब में मिडल ये बन रहा है, ये पुट करके 4 पे डिवाइड करके ये आपके पास यू आई की वैल्यू आ गई। एफ आई यू आई यानी एफ आई ये और यू आई जो आपने ये निकाला है मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई, और इसका स्क्वेयर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ये आपके पास ये टेबल फर्स्ट बन गया। अब नेक्स्ट क्या है कि आपने एक्स बार और एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। एक्स बार की वैल्यू क्या है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर एन मल्टीप्लाइड बाई एच, ए आपके पास 49.5 है और सिग्मा एफ आई यू आई वो जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और वो और ओवर एन आपके पास 1000 मल्टीप्लाइड बाई एच क्या है 4, तो ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे ये आपके पास 47.71 ये एक्स बार की वैल्यू आ गई। अगर आपने एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इस फार्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करें, आपके पास एस की वैल्यू आ गई 5.88 kg। अब नेक्स्ट टेबल बनाए कि उसी तरह से वेट आप लेके चलें, और अपर क्लास बाउंड्री इसमें क्या है, अपर क्लास बाउंड्री ये 27.5 35.5 35.5 ये अपर क्लास बाउंड्री आ गई। अब जी की वैल्यू क्या है, अपर क्लास बाउंड्री में से एक्स बार की जो वैल्यू आई है वो हम एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे यानी ये एक्स बार की वैल्यू 47.71 है और एस की वैल्यू 5.88 है, ये इस रिलेशन में पुट करके आप जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ये इस वैल्यू के लिए आप टेबल में देखेंगे, वो जो आपने टेबल लिखा था टेबल में देख के ये वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी का सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस आएगा, यानी अगर ये एज इट इज 0.0003 आ गया, ये इसकी फॉर्म में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें से ये माइनस 0.0029 में से 0.0003 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.0026। इसी तरह ये वाली टर्म कैसे आएगी, 0.0188 में से 0.0029 माइनस करेंगे तो यू विल हैव द 0.0159। इस तरह से आंसर्स बनते जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बन रही है प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी वन ये वाला जो आपने फाइंड आउट किया 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये आपके पास आ गई। इसको आपने फार्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे पेज मिसिंग है, आप फार्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके पास है टॉपिक ऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डिनेट्स क्या है, हम हाइट्स बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए भी आपके पास एक उसी तरह से जनरल एक फॉर्म एक टेबल की मैंने, उस टेबल की मदद से आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो उसी फॉर्म में जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास ये सिंपल 4 स्टेप्स गिवन है, यानी कैलकुलेटिंग एक्स बार एंड एस एज एस्टिमेट्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा फ्रॉम गिवन, जो भी आपके पास वैल्यूज गिवन है उससे आप एक्स बार और एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप उसको जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑर्डिनेट्स जी की वैल्यू हर जी की वैल्यू के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेबल से, और फिर इसको एन एच बाई एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आपके पास क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं ये वाला आपके पास टेबल 9.3 है, इससे आप ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जीरो, जी इज इक्वल 0.64 एंड जी इज इक्वल टू 2.18 एंड जी इज इक्वल दिस वन। तो अब अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें कि क्या है इसमें, टू फाइंड द टेबल 9.3 से आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जी की वैल्यू अगर 0.64 आपके पास मौजूद है तो टेबल में देखें कि किस तरह से यानी 0.6 ये आ गई और इसमें 4 आपके पास बन रहा है 0.64 थ्रू ये बन रहा है 3251, तो ये आपके पास एज इट इज 0.3251 वैल्यू आ गई। इसी तरह जी की बाकी वैल्यूज के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जनरल डाटा की फॉर्म में गिवन है वैल्यूज, तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपने वही एग्जांपल किए हैं अभी पिछले फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्म में, तो उसमें आपने एक्स बार और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी,
और फिर हम सेकंड टेबल वो फिटिंग वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग वाला बनाने के बजाय हम ये वाला टेबल इंसर्ट करेंगे। एक्स आई की वैल्यूज ये हैं, जेड आई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, फिर फाई ऑफ जेड आई की वैल्यूज आप टेबल से ले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको ऑर्डिनेट्स को एन एच बाई एस एम, ये वाली जो आपके पास वैल्यू आएगी इसको आप एन एच बाई एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इन दिस वे आप ऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट गैमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।